क्वांटिटी माइक्रोस्कोपी इसका लास्ट टॉपिक है, यूनिट वन का लास्ट टॉपिक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लीफ कंटेंट। तो आप जैसे कि जानते हो स्टोमेटा जो होता है, आप जानते हो स्टोमेटा क्या होता है, जो प्लांट्स के अंदर होता है गार्ड सेल्स जो होते हैं, जो तब खुलते हैं जब सनलाइट होती है, वो फूड प्रिपेयर करते हैं। तो बात करेंगे स्टोमेटल नंबर की, इट इज़ द एन एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन 1 square meter ऑफ एपिडर्मिस, एग्जाम्पल धुतरा इनोक्सिया 141। स्टोमेटल इंडेक्स परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा परफॉर्म फॉर्म द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। ई स्टोमेटा, ई स्टोमा में एक सेल होता है। एस आई इक्वल टू एस अपॉन ई एस इंटू 100। अब एस क्या है, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, और ई क्या है, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन सम ऑफ द यूनिट एरिया, सॉरी। तो बेसिकली ये क्या है, एपिडर्मल सेल है, ठीक है, एपिडर्मल सेल है, और ये क्या है, स्टोमा है। एग्जाम्पल क्या है, इंडियन सेना 1720 अलेक्जेंड्रा सरना, ठीक है, और वीना आइसलेट नंबर, रिपीट आइसलेट, आइसलेट, ओके, इसलेट नहीं आइसलेट। आपको बताते हैं इसलेट कहते हैं, जैसे आपको मानो आपको लिखना आना चाहिए। इसलेट इज द एरिया सराउंडेड बाय द वेन्स, वेन्स क्या होती है, नशे, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इट इज द नंबर ऑफ वेन आइसलेट पर स्क्वायर मीटर ऑफ लीफ सर्फेस। एग्जाम्पल इंडियन सेना 1923 अलेक्जेंड्रा सेना 25-30। पैलासाइडा रेशियो, एवरेज नंबर ऑफ पैलासाइडा सेल अपॉन नहीं इन टू नहीं बीनीथ अंडर ऑफ वन अंडर वन एपिडर्मल सेल। डिजिटाइजेशन परविया 3.7-4 के बीच में होता है, डाइजेस्टली परविया। धोतरा सुन्नम 4-7 एपिडर्मल सेल और पैलराइज सेल, ठीक है। आगे चलते हैं, लाइजोपोडियम स्पोर मेथड। बच्चों बहुत आसान है ये, तो कुछ भी नहीं है। लाइजोपोडियम स्पोर मेथड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक फॉर पाउडर ड्रग, स्पेशली वेन केमिकल अदर मेथड ऑफ एवोल्यूशन फैट एज एन एक्यूरेट मेथड। एक्यूरेट मेथड है किसके लिए, मेथड द क्वालिटी के लिए, इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है किसके लिए, पाउडर ड्रग के लिए, स्पेशली वेन केमिकल अदर मेथड एवोल्यूशन क्या करते हैं, फैट और एक्यूरेट मेथड ऑफ ऑयल, ठीक है। बाय लाइजोपोडियम स्पोर मेथड एस्टिमेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द फॉरन ऑर्गेनिक मैटर इन द पाउडर फॉर्म इज पॉसिबल। लाइजोपोडियम स्पोर आर यूनिफॉर्म इन साइज, यूनिफॉर्म इन साइज एंड हैव कैरेक्टर साइज, कैरेक्टर्स क्या है इसके, एवरेज 9400 मतलब 94,000 स्पोर्स पर mg, बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइजोपोडियम स्पोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लाइजोपोडियम क्लेविनेट, अप्रोप्रिएट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ड्रग कंटेनिंग डिफाइंड पार्टिकल सिंगल लेयर सेल टिश्यू, यूनिफॉर्म थिकनेस, जैसे क्या देखते जिंजर में, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, टेक अ पाउडर मटेरियल एंड लाइजोपोडियम स्पोर, ड्राई करो उसे, रिमूव करो उसका मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट आप जानते हो माइक्रोवेव कंटेमिनेशन के हटाने पड़ेंगे। पाउडर द मटेरियल प्लस लाइजोपोडियम स्पोर, वेट और मिक्स करो, मिक्सचर इज सस्पेंडेड इन एप्रोप्रिएट विस्कस लिक्विड, एग्जाम अंडर द माइक्रोस्कोप, काउंट इन 25 फील्ड एंड रिपीटेड फॉर सेकेंड सिमिलर सस्पेंशन, ओके। आगे चलते हैं, बेसिकली इसमें क्या होगा, अब हम पता करेंगे परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, एन इन इंटू डब्ल्यू इंटू 94,200 अपन एस इंटू एमपी। तो देखो सब तरीका क्या है, न्यूटन का वर्क डन 94,000 था, इंटू 100 और में और करना है, एन क्या नंबर ऑफ सैंपल, एस अब देखो बच्चों एमपी का आटा होगा आपने सुना होगा, तो सुरेश के यहाँ मिलता है एमपी का आटा, से याद करने का तरीका है, न्यूटन ने 94,000 अपॉन में एन सुरेश के एमपी का आटा मिलता है। हर एक बंदे का अपना अलग तरीका है, आप किसी वॉर में जीत सकते हो तो आप खुद का तरीका होगा, तो पढ़ाई करने का सबका अलग अलग तरीका है। एक बच्चे मुझे भेजा था तो मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ सैंपल पार्टे इन अमाउंट ऑफ 25 फील्ड, डब्ल्यू का वेट ऑफ लाइजोपोडियम इन mg, एस क्या नंबर ऑफ लाइजोपोडियम स्पोर्स इन सेम फील्ड, एम क्या नेम सैंपल वेट, पी का नंबर ऑफ करेक्टर पार्टे इन पर mg ऑफ ड्रग सैंपल। अब देखो कैमरा ल्यूसेड क्या होता है, देखो ये मिरर होता है, ये होल होता है, ये होल से आती है होल, ठीक है, ये है प्रिज्म, ये आईपीस, ये अटैचमेंट रिंग, ये बॉडी ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप, ये ऑब्जेक्ट, ये ड्राइंग पेपर और ये टेबल सरफेस, ये है। अब देखो यहाँ से आएगी लाइट, फिर आईपीस में दिखेगा, ये प्रिज्म है, होल फॉर ऑब्जर्विंग। तीन मेन पार्ट क्या है, एक तो अटैचमेंट रिंग है, देखो बच्चों अटैचमेंट रिंग होगी तो मेन अटैचमेंट रिंग ही तो ज्वाइन कर रही है इसे और इसे मिरर को, आईपीस को, और ये आपके होल फॉर ऑब्जर्विंग, फिर प्रिज्म है, फिर मिरर है, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेन अटैच विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प ड्राइंग माइक्रोस्कोप इमेजन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर, इट वर्क ऑन द सिंपल ऑप्टिकल प्रिंसिपल रिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म ऑन द टू द प्लेन मिरर एंड देयर फॉर्म द
द इमेज इज रिफ्लेक्टेड ऑन द प्लेन पेपर द ऑब्जर्वर मूव्स द पेंसिल ऑन द लाइन ऑफ द इमेज एंड ड्रॉ द करेक्ट एंड फेथफुल फिगर ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है बच्चों प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल, नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो बच्चों, आपके लिए बहुत फ़ायदा है. आप बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, एक ट्यूब का हूँ, टेंशन मत लो. आपको नोट्स तक दूंगा और पेपर के मोटे मोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, अंदर के क्वेश्चन जो आने वाले होंगे, पक्का फुल गारंटी है मेरी. प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अगर आप देख रहे हो वीडियो आपको समझ आ रही है, आपको अच्छी लगे लाइक करो शेयर करो, आपके भले के लिए है. ठीक है प्लीज़ सब्सक्राइब. और बच्चों पढ़ना मत छोड़ो, सेमिस्टर फोर्थ सेकेंड प्लीज़, आपको एम फार्म करनी है. एम फार्म अच्छी चीज़ है, वरना आप इक्वली तोड़े जाओ. जी पैड की तैयारी करनी है. ओके प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके.